जय बोलो देवादिदेव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुव श्री विद्या सागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय। परम पूज मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय। सुदृष्टि माता जी की जय। आज रामनवमी है और राम की बात। हम लोगों की एक बड़ी विशेषता है, जिस दिन रामनवमी हो उस दिन राम की बात करें, जिस दिन महावीर जयंती हो उस दिन महावीर की बात करें और बाकी दिन सब अपनी अपनी बातें करें। हम सबको केवल एक ही दिन याद करते हैं। वस्तुतः रामनवमी की तिथि में राम को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम को अपनी सांसों में बिठा लेना जीवन की सबसे बड़ी बात है। आज मैं बात करता हूँ राम की, उस राम की नहीं जो कभी त्रेता युग में प्रकट हुए, उस राम की जो आज भी है हमारे भीतर है। त्रेता युग में राम हुए और हमने सुना कि उस युग में एक रावण हुआ, दोनों के मध्य युद्ध हुआ, रामचंद्र जी को विजय हुई और वे हम सबके आदर्श बने। ये एक घटना है और जब कभी भी मैं रामचंद्र जी के साथ जुड़ी हुई इस घटना को जोड़ता हूं तो मुझे श्री राम बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब मैं रामचंद्र जी को एक वृत्ति के रूप में देखता हूं तो मुझे बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं। रामायण की बात मैं आपसे करूं तो बुंदेलखंड की एक छोटी सी रामायण आपको सुनाकर बात पूरी कर देता हूं। बहुत छोटी सी रामायण। एक राम थे एक रामन्ना, एक राम हते एक रामन्ना, जे छत्री बे बामन्ना, इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना, बात बात में हो गो बातन्ना, और तुलसी ने लिख दो पोथन्ना। रामायण पूरी हो गई। मैं उस रामायण की बात नहीं करूंगा, उस रावण का तो अंत हो गया और उस रावण का अंत तभी हुआ जब राम और रावण का आपस में सम्मिलन हुआ, युद्ध हुआ, रावण का अंत हो गया। लेकिन आज मैं आपसे उस राम की बात करना चाहता हूं जो हम आप सबके भीतर है। और मुश्किल ये है कि हमारे भीतर राम है, हम उसे पहचान नहीं रहे और रावण अपना आतंक मचा रहा है। राम और रावण दो व्यक्ति नहीं, दो वृत्ति हैं। व्यक्ति तो आज भी कई तरह के होते हैं, लेकिन जब हम वृत्ति के रूप में देखते हैं तो उन्हें हम अपने भीतर ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत रामायण के एक प्रसंग से कर रहा हूं। जब रावण सीता हरण कर लिया, तमाम उपाय करने के बाद भी सीता ने रावण को स्वीकारना तो दूर, आंखें खोलकर देखा तक नहीं। रावण हार के कुंभकर्ण के पास पहुंचा और उसने कुंभकर्ण से कहा कि भैया सीता के बिना मेरा जीना मुश्किल है, तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि सीता मेरी हो जाए। कहते हैं कुंभकर्ण हाशा और उसने रावण को समझाते हुए कहा कि भैया आप इतने ज्ञानवान नीतिवान हो फिर भी मेरे पास आए हो,
जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर और किसी की नहीं हो सकती, जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर और किसी की नहीं हो सकती, तो आप राम का रूप धर करके सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। आप राम बन करके सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। जानते हैं रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, अरे पगले ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं राम का रूप धर करके सीता के पास जाता हूं, मेरे अंदर वैसे भाव ही नहीं होते। बंधुओं, यही बात समझने की है कि रावण नाम का व्यक्ति भी यदि राम भाव को प्रकट करेगा तो उसके जीवन में धर्म बोलेगा, मर्यादा बोलेगी, नीति बोलेगी, संयम बोलेगा। तब मैंने आप सबसे कहा कि राम और रावण दो व्यक्ति नहीं, दो वृत्ति हैं, और ये दोनों हमारे भीतर हैं जिन्हें हमें पहचानना है और तय करना है किसे उभारना है और किसे मिटाना है। प्रकृति में शुक्ल पक्ष और चंद्र कृष्ण पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा की कलाएं उत्तरोत्तर बढ़ती है और पूर्णमासी के दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा हो जाता है। अपनी निर्मल ज्योत्सना से पूरे नभमंडल को आलोकित कर देता है। इसके विरुद्ध कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं दिनों दिन क्षीण होते होते अमावस्या की काली निशा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे प्रकृति में ये दो पक्ष है, वैसे ही हमारे चित्त के भी दो पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष का प्रतिनिधित्व हमारे भीतर का राम भाव करता है, जो हमारे जीवन के धर्म, नीति, मर्यादा और संयम के बल पर विकसित होता है। इसके विरुद्ध कृष्ण पक्ष हमारे भीतर का रावण भाव है, जो हमारे जीवन को अधर्म, अनाचार, पाप और पाखंड से भर देता है। हमें तय करना है कि हमारे जीवन की दिशा क्या है। आज चार बातें आप सबसे कहूंगा। राम नाम काम धाम, चार बातें। राम नाम काम धाम। राम की बात करूं तो जानो राम क्या है। राम क्या है? राम कौन है? दशरथ के पुत्र निश्चित है, वो दशरथ सुत है। लेकिन राम केवल दशरथ के सुत नहीं, राम तो हमारे भीतर की अवस्था है। कहा जाता है रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम, रमते इति राम, जिसमें सब रम जाए वो राम, वो हमारे भीतर का तत्व है, उसे पहचानो। इस धरती पर जब जब किसी आसुरी शक्ति ने आतंक मचाया है तो उसके दमन के लिए किसी दिव्य शक्ति का आविर्भाव हुआ है। वे किसी महापुरुष के रूप में, तीर्थंकर के रूप में, अवतार के रूप में प्रकट हुए। कभी हम उन्हें राम कहते हैं, कभी हम उन्हें कृष्ण कहते हैं, कभी महावीर कहते हैं, कभी ऋषभदेव कहते हैं।
अनेक रूपों में हम जानते हैं। वस्तुतः दुनिया की जितनी भी श्रेष्ठ विभूतियां हैं वो वही है जिनने अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप को उपलब्ध किया है। वो राम हमारे भीतर का तत्व है, उसे पहचानो। वो आत्मा है, उस आत्मा राम को जो जानता है वही अपने जीवन का कल्याण करता है। जैन धर्म की दृष्टि से अगर पूछो तो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें पहले ऋषभ देव हैं और अंतिम महावीर हैं। ऋषभ देव के र को और महावीर के म को मिला लो तो राम बन जाएगा। हमारे 24 तीर्थंकर इसमें समाहित हैं। वो राम भाव हमारे भीतर का, वह वितराग भाव, वह विशुद्ध भाव, वो राम कौन है इसे पहचानो। जब कभी भी हम राम की बात करते हैं, हमारे सामने राजपुत्र होने के बाद भी चीरा जीन पहने हुए, धनुष बाण लिए किसी तेजस्वी महापुरुष की छवि उभर जाती है। निश्चयता यह उनका एक रूप है, पर यह उनका मूर्त रूप है। हम उनके अमूर्त रूप को पहचानने की कोशिश करें, और राम को पहचानने के दो माध्यम हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहर में अगर हम राम को पहचानेंगे तो उनके कामों से पहचानेंगे, और भीतर में राम को पहचानेंगे तो उनके स्वरूप से पहचानेंगे। हम राम के काम को आपके सामने रखते हैं और फिर राम के स्वरूप को आपके सामने रखेंगे, और आपके भीतर आपको उतार करके कोशिश करेंगे अपने भीतर के राम से साक्षात्कार कराने का। हम रामचंद्र जी की बात सुनते हैं, वस्तुतः मैं जब कभी भी विचार करता हूँ तो मेरे भीतर भी एक रामायण दिखती है, हालांकि वो अभी मैं नहीं सुनाऊंगा, आज मेरा संदर्भ दूसरा है, फिर कभी उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन रामचंद्र जी को हम सामने लेकर के देखें, उनका जीवन कितना बड़ा आदर्श है। घोषणा हो चुकी, रामचंद्र जी का राज तिलक होना है, उन्हें अयोध्यापति बनना है। रातों रात पासा पलट गया, जिन्हें अयोध्याधिपति बनना था उन्हें वनवास की ओर जाना पड़ा। घटना है आपके हमारे सबके सामने। रामचंद्र जी ने क्या किया, क्या किया, थोड़ा सोचे। सहज भाव से वनवास को स्वीकार किया। अगर आज के राम को, नाम वाले राम बहुत मिलेंगे, हाँ राम का नाम लेने वाले भी मिलेंगे और राम नाम के लोग भी मिलेंगे। मैं उन दोनों से सवाल करता हूं जो रोज राम 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 जपते हैं वे, या जिनका नाम राम है वे, यदि उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। महाराज इतनी भी कहने की बात है, बाप को घसीट कर कोर्ट में ले जाएंगे और क्या करेंगे, यही ना एक सोच। लेकिन रामचंद्र जी का वो आदर्श देखो, कितना उच्च आदर्श है। उन्होंने उसे सहज भाव से स्वीकार किया, बल्कि जैन रामायणों के अनुसार तो एक विशेष बात और है। रामचंद्र जी को वनवास दिया नहीं गया था, दशरथ जी ने केवल ये कहा था कि भरत अयोध्या का राजा बनेगा,
जैन रामायण के अनुसार रामचंद्र जी ने खुद वनवास स्वीकार किया क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मैं अयोध्या में रहूंगा तो भरत कभी राजा नहीं बनेगा, और भरत राजा नहीं बनेगा तो मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा। पुत्र का सच्चा कर्तव्य यही है कि वो अपने पिता के प्रण और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखे, जिस संतान के रहते हुए उसके पिता का प्रण या प्रतिष्ठा खंडित हो तो उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसी भाव से उनने वनवास को स्वीकार किया। वनवास को स्वीकार करना हो या वनवास दिया जाना हो महत्वपूर्ण ये नहीं है, पर वो वन को गए। आप होते तो क्या करते? क्या ये आदर्श स्वीकार करते? उनने सहज स्वीकार कर लिया और वो गए। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में तो इतना तक लिखा कि दशरथ जी ने राम से कहा कि राम मैं तो वचनों में बंध गया, मैं विवश हूं, बाध्य हूं, लेकिन तू एक काम कर, मुझे युद्ध मुझसे युद्ध करके मुझे हरा ले और राज स्वीकार ले। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत मार्मिक प्रकरण है, मैं उसके सार में ही आप सबका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया कि नहीं, आपके जो बात निकल गई निकल गई, मेरे लिए वन भी अयोध्या से कम नहीं है। वे निकल गए। अपनी माता कौशल्या के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया, चल पड़े। राम गए तो सीता भी जाने को उद्यत हो गई। सीता गई अपनी सासू माँ के पास तो कौशल्या सीता से कहती, राम क्षत्रिय पुत्र है, वे वन में रह सकते हैं, तू इतनी कोमलांगी तू वनों में कैसे रहेगी, तू तो यहीं आराम से रह। सीता ने क्या जवाब दिया? मेरा विवाह अयोध्यापति राम से नहीं, मेरा विवाह श्री राम से हुआ है, वे जहां रहेंगे वही मेरा मेरी अयोध्या है, मैं वहीं रहूंगी, मुझे स्वीकार है, शिरोधार है, मैं जाऊंगी। और देखो कौशल्या ने राम को नहीं मना किया कि तेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, पर बहू को साथ दिया कि तू विपत्ति में कहाँ रहेगी, बेटा विपत्ति में फंसता है तो फंसने दे, वो विपत्ति को भी संपत्ति में बदल सकता है, पर तुझे यहां रहना होगा। लक्ष्मण गए अपनी माता के पास तो लक्ष्मण जैसे ही अपने माता के पास गए, पहले तो लक्ष्मण को लगा ये भरत की करतूत है, लेकिन बाद में जब लगा कि वनवास जा रहे तो मुझे अपने भाई के साथ रहना चाहिए। माँ के पास गए, माँ ने कहा लक्ष्मण तू लेट हो गया, राम पहले आ गए, तू यहाँ से जा रहा है जाना, पर मेरी तीन बातों को याद रखना, राम को पिता के स्थान पर रखना, सीता को माँ के स्थान पर रखना, राम को पिता के स्थान पर रखना, सीता को माँ के स्थान पर रखना, और वन को अयोध्या के स्थान पर रखना और आनंद से रहना। ये रामायण मैं देखता हूं, रामायण की इन घटनाओं को, घटना की भांति देखने में तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए भावनाओं को जब टटोलता हूं तो कुछ बातें और दिखती हैं। एक ये चार बातें हैं, सत्ता है, संपत्ति है, सामग्री है और संबंध है। एक तरफ सत्ता थी, एक तरफ संपत्ति थी, एक तरफ सामग्री थी और एक तरफ संबंध था। रामचंद्र जी ने क्या किया? सत्ता को भुला दिया, संपत्ति को उपेक्षित कर दिया, सामग्री का कोई मोह नहीं किया, सब कुछ छोड़ करके किसको मेंटेन किया? संबंध को।
संबंध के पीछे सत्ता सामग्री और संपत्ति को त्यागने की बात जहां हो समझना वहां रामायण है, और जहां सत्ता संपत्ति और सामग्री के लिए या सत्ता के पीछे सब कुछ को छोड़ने की बात हो समझ लेना वहां महाभारत है। रामायण और महाभारत में यही अंतर है। रामचंद्र जी ने दशरथ के संबंध को, पिता के संबंध को मेंटेन किया, क्योंकि पिता की प्रतिष्ठा को बचाना मेरा दायित्व है। उन्होंने भाई के संबंध को मेंटेन किया, क्योंकि भाई को सम्मान देना मेरा महदायित्व है। अपनी पति के साथ भी, अपने पत्नी के साथ भी अपने संबंध को मेंटेन किया, वो गई तो साथ लेकर के गए। आज क्या होता है बोलो। इधर भरत ये कह रहा है कि अगर रामचंद्र जी रहेंगे, वो वनवासी बन के रहे, मैं राजगद्दी में बैठूं, ऐसा हो नहीं सकता। आज का कोई भरत ऐसा करेगा? बड़ा मुश्किल है। हम नाम कुछ लेते हैं, काम कुछ करते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ऊंची बात कही गई। जब रामचंद्र जी से कहा गया कि आपके साथ जो वनवास हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया वनवास मेरे लिए तो बहुत छोटी सी चीज है। अहम ही वचनात् राज्ञ पातेयम अपि चारणवे भक्षेयम च विषम तीक्ष्णम पातेयम च पिपाव के। वनवास बहुत छोटी सी बात है। अपने पिता की आज्ञा के अनुपालन के लिए यदि मुझे समुद्र में कूदने की बात कर दी जाए तो मैं कूद जाऊंगा। अगर मुझे कालकूट विष खाने के लिए कहा जाए तो मैं हंसते हंसते खा लूंगा, और कहा जाए जलती हुई आग की ज्वाला में कूद जाओ तो मैं सहर्ष कूद जाऊंगा। ये आदर्श आज वो आदर्श कहीं नहीं है। तो भाई उस नाम और उस काम से क्या मतलब जिसमें हम अपने मूलभूत आदर्श को भूल जाए। राम का नाम लेते हो तो राम को पसंद करते हो, तो राम के काम को भी पसंद करो। मैं एक बात आपसे सवाल करता हूं। आप जिसे चाहते हो और आपका बेटा या आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति उसे पसंद न करे, तो क्या आपकी उस पर प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। कदाचित आप जो पसंद करो सामने वाला उसे पसंद न करे तो भी आपकी प्रसन्नता मेंटेन हो सकती है, लेकिन आप जिसे पसंद करो सामने वाला उससे उल्टा कर्म करे, जिसे आप ना पसंद करते हो वो करे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कभी उसको लाइक करोगे? बोलो थोड़ा जोर से। नहीं करोगे ना? क्यों भैया? तो इतनी तो बात कर रहा हूं। रामचंद्र जी ने जिस आदर्श को स्वीकार किया, उनने जिसको पसंद किया, तुम उसको पसंद करते हो? अरे महाराज वो त्रेता युग की बात थी, आज कहाँ है ना। चलो ये भी चलेगा। आज तो वनवास भी नहीं है। वनवास क्यों होगा? वन ही नहीं है तो वनवास कहां से होगा? सब खत्म हो गया। लेकिन कदाचित आज तुम्हारे पास वन जाने की बात नहीं है, चलेगा। रामचंद्र जी ने जो पसंद किया उसे पसंद ना करो, चलेगा। लेकिन उन्होंने जिसे ना पसंद किया वो पसंद करो तो कैसे चलेगा? है ना विचारणी बात। राम का नाम और रावण का काम कैसे होगा? क्या कर रहे हैं? हमारी गाड़ी आखिर चलेगी तो कैसे चलेगी? हम राम का नाम ले या ना ले, कम से कम रावण का काम ना करे। ये आदर्श हमारे भीतर घटित होना चाहिए, तब हम अपने जीवन की स्थायी उन्नति कर सकेंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। वो हमारे अंतरंग में घटना चाहिए,
वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी उदारता उनके अंदर थी, जिसके बल पर उनने अपने जीवन को ऊंचा उठाया। वो सोच हमारी होनी चाहिए। जो हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं वो राम हैं, जो हमें मर्यादा का बोध कराते हैं वो राम हैं, जो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं वे राम हैं, जो हमें आत्मीयता का पथ दर्शाते हैं वो राम हैं। है मेरे अंदर कर्तव्य बोध, है मेरे भीतर की कोई मर्यादा, है मेरे भीतर प्रेम और आत्मीयता के भाव, यह हर व्यक्ति को देखने की जरूरत है। यदि ये सब हैं तो समझना मेरे जीवन की दिशा सही है, और यदि ऐसा नहीं है तो हमारी गाड़ी अभी गलत दिशा में चल रही है, हम गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। अपनी दिशा को बदल डालने की जरूरत है, तब हम अपने जीवन में कुछ आदर्श उपस्थित कर सकेंगे। आजकल उल्टा है काम, नाम लोग रख लेते हैं काम अलग। एक बार किसी ने कहा कि हम सब भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। बोले अच्छा, भगवान महावीर के मार्ग पर चलते? बोले बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा आदर्श है। बोले हाँ, इसीलिए तो हमने अपनी सड़क का नाम भगवान महावीर मार्ग रख दिया। नाम हम कुछ भी रखते हैं, काम वही करते हैं जो करते आए हैं। सवाल नाम का नहीं, सवाल काम का है। मेरा काम कैसा है? काम यानी करनी करतूत किस तरह का है, ये मुझे देखना है, ये मुझे समझना है। 24 घंटे इसके प्रति मुझे जागरूक रहने की जरूरत है। अपनी करनी को सुधारिए बंधुओं, अपवाद के रूप में ही सही, पर आज भी मेरे सामने राम जैसा आदर्श उपस्थित करने वाले लोग हैं। पिता पुत्र के मध्य प्रेम, भाई भाई के प्रति प्रेम, पति पत्नी के प्रति प्रेम, ये देखना है तो हम रामायण से सीख सकते हैं। और मैं एक ऐसे परिवार का उल्लेख कर रहा हूँ जो मुझसे वर्षों से जुड़ा हुआ है, नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिनके अंदर ये सब कुछ घटा। पिता, 3 बेटे थे, बड़े भाई के पास हुनर बहुत था, कारोबार भी मुख्य रूप से वही चलाता था, 2 छोटे भाइयों में उतनी योग्यता नहीं थी। पिता ने कहा कि मेरी अब अवस्था क्षीण होते जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि कल तुम लोगों के मध्य किसी प्रकार का विवाद न हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से हिस्सा बांट करना चाहता हूँ। 3 बेटों को बुलाया और कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो। 3 बेटों ने एक स्वर में कहा कि पिताजी, हम तो साथ रहना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, देखो मैं समय को पहचानता हूँ, मुझे लगता है तुम लोग बहुत समय तक साथ नहीं रह सकोगे, साझा कारोबार होगा तो कल किसी न किसी प्रकार का विवाद होगा, और मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी संपत्ति के पीछे तुम लोग आपस में उलझो, इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी हो अपने हाथों से मैं अपने दायित्व को पूर्ण करके जाऊं। सबसे पहले बड़े भाई ने कहा, वो ध्यान देने लायक है, बोले पिताजी, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, छोटे भाइयों के साथ अभी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, मेरा बेटा भी पढ़ लिख करके लायक हो गया है, आप एक काम कीजिए, जो रनिंग बिजनेस है वो हमारे भाइयों को दे दीजिए और मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर से पनप जाऊंगा। ये आदर्श
जो व्यापार है कपड़े के प्रोसेसिंग का काम था, रनिंग बिजनेस है वो मेरे भाइयों को दे दीजिए, ये लोग चलाएंगे और मैं भी इनको समय समय पर मदद करता रहूंगा, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। आप लोग सोचोगे कितना बेवकूफ होगा ये, पर एक बेवकूफ को सब बेवकूफ ही दिखते हैं। अब पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, दोनों भाइयों ने कहा भैया आप ऐसा क्या कर रहे हैं। बोले नहीं ठीक है तुम करो ना, और हम दोनों एक साथ है, अलग है कहां, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारा घर मेरे लिए तो है ही। पिता ने कहा ठीक है, और उस व्यक्ति ने एक पैसे लिए बिना अपने गुडविल के बल पर अपना कारोबार खड़ा किया और आज लगभग 12-13 वर्ष हो गए हैं, अपना साम्राज्य बहुत बड़ा खड़ा कर लिया। ये है एक दृष्टिकोण, आगे बढ़ता है इंसान। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं वो एक आदर्श है। क्या हम इन्हें अपना सकते हैं? यदि तुम्हारी दृष्टि केवल बाहर की संपत्ति पर होगी तो तुम्हें ये बेवकूफी भरा निर्णय दिखेगा, और यदि तुम्हें तुम्हारी दृष्टि अपने भीतर के तत्व पर होगी तो तुम्हारे लिए बहुत सामान्य होगा। उसके मित्रों ने जब उससे कहा कि भैया तुमने ये निर्णय कैसे लिया, क्यों लिया, ये निर्णय गलत है, तुमने किसी से पूछा भी नहीं निर्णय लिया, बोला भैया मैं एक ही बात को जानता हूँ, जब तक मेरे पुण्य कर्म की अनुकूलता है सारे संयोग अपने आप अनुकूल बनेंगे, और जिस दिन पुण्य छीन होगा अनुकूल भी प्रतिकूल बन जाएंगे, मैं किसका व्यामोह करूं। है ऐसी तत्वभरी दृष्टि, ये एक परिवार की घटना है। एक दूसरी घटना आपको सुनाता हूं जिसका उल्लेख मैं पहले भी कई बार कर चुका। दो भाई दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहने वाले दोनों भाई में बड़े भाई को अचानक मालूम पड़ा कि छोटे भाई को शेयर के कारोबार में लंबा नुकसान हो गया है, उसकी बड़ी देनदारी है और इधर उधर छिपा छिपा फिर रहा है। बड़े भाई को जैसे मालूम पड़ा उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा, दोनों में 1000 किलोमीटर की दूरी है, धर्म पत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति हमें क्या करना चाहिए। धर्म पत्नी ने कहा आज हम सब संपन्न हैं, और हमारी संपन्नता का क्या मतलब, जब हमारे पास पर्याप्त धन है और हमारा ही अपना भाई पैसों के पीछे मुंह छिपाते फिरे ये ठीक नहीं, हमें उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। पत्नी के मुख से ये उत्तर सुनकर पति को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि प्रायः पत्नियां ऐसा उत्तर कम देती हैं, खासकर भाई के मदद के लिए। हाँ सस मायके वालों की मदद चलेगी। पर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा ठीक आज रात में हमें चलना है। बिना पूर्व सूचना के ट्रेन से दोनों पति पत्नी गए, रेलवे स्टेशन से टैक्सी से सीधे घर गए। भैया और भाभी को अचानक घर में आया देखकर वो हक्का बक्का रह गया। भैया आप अचानक कैसे, खबर क्यों नहीं की? उसके मन में हवाइयां से उड़ने लगी, कहीं भैया को असलियत पता तो नहीं लग गया, भैया क्यों आए, अनेक प्रकार की शंका कुशंका मन में। भाई अंदर गया, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुआ, पूजा पाठ करके घर आया, नाश्ता पानी करने के उपरांत भाई को और उसकी बहू को अपने कमरे में बुलाया, दोनों चारों बैठे। अब पूछा कि तेरी पोजीशन क्या है? भैया सब ठीक है, अक्सर लोग ऐसा ही कहते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बोले देख इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं,
मुझे तेरी वास्तविकता पता है, मैं केवल यह जानने के लिए आया हूं कि हकीकत क्या है, बता। तो मुझसे छिपा मत, क्योंकि मुझसे छिपा करके तू खुद के साथ धोखा करेगा। तेरी जो वास्तविकता है वो मुझे बता। शुरुआत में तो टाल मटोल किया, लेकिन भाई भाई में प्रेम भी बहुत था। आखिरकार वो खुला, उसने अपनी सारी बातें बता दी। 2.5 करोड़ की लायबिलिटी थी, उससे भी कुछ ज़्यादा। उसने कहा ठीक है, इतनी ही, और तो कुछ नहीं। एक बार और आगे पीछे पूछा, बोला ठीक है, सब चीज़ से पक्का हो गया। उसके उपरांत उसने सब लोगों को बुलाया और सब लोगों को बुला करके बोला, ये जो आपकी लेनदारी है, अब इसका देनदार मेरा भाई नहीं, मैं हूँ। आप सबका एक एक रुपया दूंगा, लेकिन आप में से कोई मेरे भाई को परेशान नहीं करेंगे, कोई मेरे भाई को परेशान नहीं करेंगे। और बाद में भाई से बोला, बेटा भाई देख, एक बार तो मैं तेरे लिए सहयोग कर दिया, लेकिन आज से तू संकल्प ले कि इस तरह का कोई कारोबार नहीं करूंगा, और नए कारोबार के लिए मैं तेरे लिए 50 लाख रुपया और देता हूँ। तो इससे अपना कारोबार कर और अपना काम कर, आगे बढ़, ये जीवन की सफलता है। भाई और उसकी पत्नी दोनों के चरणों में गिर गए। उनने आकर के मुझे बताया, ये प्रवचन भी वो सुन रहे होंगे, कई बार मैं इसका उल्लेख कर चुका हूँ। वो बोले कि हमारे लिए उस दिन जो खुशी हुई, वो करोड़ों की कमाई में खुशी नहीं हुई। किसको महत्व देते हो, जड़ धन को या चेतन धन को? ये आदर्श है आज भी राम और भरत जैसा। आज कोई हो तो पहचानने से इनकार कर दो। अगर किसी का भाई विपत्ति का मारा हो जाए तो सबसे पहले भाई का दरवाजा बंद होता है। क्या कंसेप्ट है, क्या दृष्टिकोण है? जिस मनुष्य की सोच संकुचित होगी वह कभी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। राम भाव को प्रगटाना है तो बड़े सोच के धनी बनिए, अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए, क्षुद्रता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये राम है। मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति भले राम का नाम न ले, ऐसा भक्ति भले पूजा पाठ न करे, ऐसा भक्ति व्यक्ति भले दान पुण्य ना करे, पर ये मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति राम के सच्चे अनुयायी हैं, वो हमारे लिए आदर्श है। तो एक है राम नाम काम। राम को लोग पसंद करते हैं, राम के नाम को भी लोग पसंद करते हैं, पर राम के काम को क्या करते हो, पसंद करते हो? एक बार मैं ऐसी प्रवचन किया रामायण के ऊपर, उसके बाद कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी थी। रामचरित की चर्चा करते करते मैंने ऐसे ही पूछा कि ये बताइए, सीता की जगह अगर आप होती तो क्या करती? सीता की जगह आप होती तो क्या करती? एक महिला ने कहा, महाराज मैं तो वन चली जाती, मैं वन जाती, वनवास स्वीकारती। मैंने कहा अच्छा, सीता का चरित्र आपको इतना प्रभावित किया, सीता का चरित्र आपको इतना प्रभावित कर दिया? बोला महाराज छोड़िए चरित्र वरित्र को, 3-3 सासुओं के अंडर में ससुराल की में रहने की अपेक्षा पति के साथ अकेले जंगल में रहना अच्छा। ये तुम्हारे हाल है, ये तुम्हारे काम है। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को कभी कृतकाम नहीं कर सकता। राम का नाम और रावण का काम। एक बार एक बच्चे से पूछा कि भाई तुम राम बनना पसंद करोगे कि रावण, तुम राम बनना पसंद करोगे कि रावण? बोला रावण। मैंने पूछा क्यों? राम बनना पसंद करोगे कि रावण? बोला रावण। मैंने पूछा क्यों? बोले 1 साथ 10 आइसक्रीम खाने को मिलेंगे। दशानन है, क्या दृष्टिकोण है,
ये विचारणीय बात है। हमें अपने कर्म को सुधारना, अपने काम को सुधारना है। हम जितना राम को पसंद करते हैं, उनके नाम को पसंद करते हैं, उतना ही हम उनके काम को पसंद करें। अंश मात्र भी हमने उनके काम को अपने जीवन में उतार लिया तो जिंदगी भर आराम है। वस्तुतः राम में ही आराम है। तुम लोग राम के पीछे जाते, नाम राम का लेते हो, नाम भी राम का लेते हो, राम को पसंद करते हो, पर काम उल्टे, क्योंकि तुम्हारे लिए राम से ज्यादा दाम से लगाव है। किससे लगाव है? दाम से। सबसे ज्यादा महत्व पैसे को हो। अभी मैंने आदर्श आपको बताया राम का। मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूं जहां चंद संपत्ति के पीछे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक ऐसा परिवार जिनके पिता ने अपराध संपत्ति छोड़ी, चार भाइयों का परिवार, सबको पर्याप्त संपत्ति दी, पर 4 एकड़ का एक प्लाट जो पिता के नाम पर था, पिता की खरीदी भी थी, पिता ने उसका कोई हिस्सा नहीं किया था। वो मेन रोड का प्लाट था, बड़ी कीमती प्लाट। उस समय, ये घटना 1995 के आसपास की है, उस समय उसकी कीमत 3,000 रुपया फुट की थी, करोड़ों की कीमत। इसके बावजूद बेटों को, चारों बेटों को कम नहीं था। पिता की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, शेष 3 भाई और भतीजे। उस थोड़ी सी संपत्ति के पीछे आपस में ऐसी लड़ाई, कोई मानने को तैयार नहीं। हिस्से में चारों को एक एक एकड़ आ सकता था, आराम से लोग बांट सकते थे, लेकिन सबकी नियत में खोट। चंद संपत्ति के पीछे लोग एक दूसरे के लिए लड़े, और ऐसे बुरी तरह लड़े कि गुस्से में भतीजे ने चाचा की छाती पर फरसी पटक दी और ऑन स्पॉट वो मर गया। आज सब जेल में है, जेल में है, भोग रहे हैं सबका सत्यानाश। थोड़ा सा संघर्ष कुल का विघातक हो जाता है। आप लोग भी ऐसे अनेक लोगों से परिचित होंगे, हो सकता आप भुगत भोगी भी हों कि चंद संपत्ति के पीछे आपस में ऐसी रार जो सर्वनाश का कारण बन जाती है। आखिर उससे क्या हासिल होता है? क्या हम उससे अपना मोह नहीं छोड़ सकते? थोड़ी सी सोच। 4 भाई का परिवार था, 3 भाई एक तरफ थे, 1 भाई एक तरफ था। बड़े भाई का उस परिवार के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन संपत्ति को लेकर के आपस में उनकी बोलचाल नहीं थी, वर्षों से बोलचाल नहीं थी। सब धार्मिक थे, संयोगतः हम जहाँ थे, एक भाई चौका लगा रहा था और बड़ा भाई दर्शन करने के लिए आ गया। अब वो जो छोटे भाई चौका लगाते थे, उनकी आदत थी जो भी यात्री मिल जाए उनको पकड़ करके अपने चौके में भोजन कराते, लेकिन बड़ा भाई आया है उसको भोजन के लिए नहीं बोल रहे हैं। मुझे तो पता था ही मामला गड़बड़ है, मैंने उनको कहा कि भैया को भोजन के लिए ले जाओ। अब वो दाएं बाएं होने लगे, मुझसे तो कुछ कह रहे। मैंने कहा भाई अब आज तुम्हारा शुभोदय आया है मुझे ऐसा लगता है, और मामले को तुम लोगों को सलटा लेना चाहिए। मैंने दोनों को बिठाया, चाहते तो थे दोनों, लेकिन अंदर की कसाई बड़ी प्रबल थी, इस कारण पहल नहीं होता। मैंने बड़े भाई को बुलाया और बड़े भाई से कहा कि भैया जो भी है इसको सलटा लो। बड़े भाई ने अपनी अंदर की सारी भड़ास निकाली, छोटे भाइयों से बात की तो उनने भी बात की। मैंने कहा ठीक है, दोनों को मोटिवेट करके मैंने उनकी कसायों को मंद किया और ये कहा बड़े भाई से कि भैया राम बन जाओ, राम बन जाओ। और राम वही बनता है जो वनवास के लिए तैयार होता है। और छोटे भाइयों से मैंने समझाया कि ये जब तुम कहते हो कि
हमारा जो भी मूल विस्तार है बड़े भैया ने किया, पिताजी तो बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, तो बड़े भाई को बड़ा भाई मान लो और उनसे कह दो कि भैया आप जो करोगे हमें फैसला मालूम तय स्वीकार है। मेरे समझाने पर पहले तो एक कमरे में बैठ करके दोनों पक्षों ने अपनी पूरी भड़ास निकाली और उसके बाद जब मेरे पास आए मैंने ऐसा कहा कि ऐसा कर लो। मेरे सामने छोटे तीनों भाइयों ने कहा कि बड़े भैया महाराज जी जो कुछ भी हमारा विस्तार है वो बड़े भैया की देन है, आज बड़े भैया जो देंगे हमको स्वीकार है, बड़े भैया जो देंगे हमको स्वीकार है। और जैसे कहा बड़े भाई के चरणों में शीश नवाया तीनों भाइयों ने, बड़े भाई ने कहा महाराज अब तो मेरी जवाबदारी बढ़ गई है, ये लड़ करके तो मुझसे कुछ नहीं ले सकते, पर आज इनने मेरा दिल जीत लिया, मैं इनको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद बड़े भाई ने सारी संपत्ति के चार हिस्से किए और सबसे छोटा हिस्सा अपने पास रखा और निचले क्रम से हिस्सा किया, सबसे छोटे को ज़्यादा, फिर बीच वाले को ज़्यादा उससे कम, और फिर दूसरे को उससे कम, सबसे छोटा हिस्सा अपने पास लिया और कहा ये शिरोधार है, ये एक भाव होता है। ये तो एक निमित्त था, कषाय का शमन हो गया, नहीं तो पता नहीं कितने लड़ते झगड़ते रहते। जिसकी दृष्टि में तत्व होता है, जिसकी दृष्टि में परमार्थ होता है, वो अर्थ के पीछे अनर्थ नहीं करते, और जिसके लिए अर्थ ही सर्वोपरि होता है वो सारे अनर्थ कर डालते हैं। बंधुओं अनर्थ से बचो, रावण ने अनर्थ का आश्रय लिया, आज रावण की क्या दशा हुई, एक लख पूत सवा लख नाती, तारा वन घर दिया न बाती की उक्ति हम सब सुनते हैं। आज तुम्हारी क्या दशा है ये तुम्हें विचार करना है, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, अपने जीवन को सुधारने का संकल्प होना चाहिए। यदि ये घटित होगा तो तुम अपने जीवन की मूल उपलब्धि घटित कर सकोगे, अन्यथा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो वो हमारे अंदर घटित हो, वो राम भाव हम जागृत करें, तो बात राम को पसंद करने की है, उनके नाम को पसंद करने की है, या काम को पसंद करने की है। किसको? राम को पसंद करोगे, राम के नाम को पसंद करोगे, संसार में रहोगे, और राम के काम को पसंद करोगे तो धाम को पाओगे। तय तुम्हें करना है क्या चाहिए, राम या राम का धाम। क्या चाहिए? धाम। तो क्या करना है? काम है ना। कब तक? जितनी देर महाराज के प्रवचन में है तब तक। बाहर जाकर एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन में नीति को कभी खंडित नहीं करूंगा, मर्यादा का कभी हनन नहीं करूंगा, और अपनी स्वार्थ परता के पीछे कभी किसी का नुकसान नहीं करूंगा। रामचंद्र जी के काम को देखिए, कहते विभीषण जब रामचंद्र जी के खेमे में आया, मिलने के लिए आया, रामचंद्र जी के मुख से निकल गया लंकेश। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगी ये इस बात का अफसोस जाहिर नहीं किया, अपितु तो उनके मुख से निकला कि मैंने विभीषण को लंकेश बोल दिया है, अब उसे लंकेश नहीं बना पाऊंगा तो मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। ये दृष्टिकोण। कहते हैं जब विभीषण को लंकेश कहा तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने लंकेश कैसे कह दिया, कहीं रावण का हृदय परिवर्तन हो जाए आपके दर्शन के बाद और सीता को वापस लौटा दे तो युद्ध नहीं होगा, तो लंकाधिपति तो रावण ही होगा, लंकेश कैसे होगा, विभीषण लंकेश कैसे होगा। रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं हनुमान ऐसा नहीं होगा, तुम जो सोच रहे हो वही नहीं होगा। प्रभु हो जाए तो क्या होगा, अगर हो जाए तो भी वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। बोले क्या होगा? बोले तब रावण लंकाधिपति होगा और विभीषण अयोध्याधिपति होगा। रावण लंकाधिपति होगा, विभीषण अयोध्यापति होगा, क्योंकि मैंने उसे लंकेश कह दिया। ये एक दृष्टिकोण हमें देखना है, लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है, वो लिखते हैं जब देखिए विपरीत पथी हाय हमने ले लिया,
जब देखिए विपरीत पथी हाय हमने ले लिया श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया हम हैं दुर्योधन के अनुज तज कर युधिष्ठिर को अहो। जब देखिए विपरीत पथी हाय हमने ले लिया श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया हम हैं युधिष्ठिर के अनुज हम हैं दुर्योधन के अनुज तज कर युधिष्ठिर को अहो सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों ना हो। अपना दृष्टिकोण हमें बदलना होगा सही पथ को अपनाना होगा तो धाम में जाना है जो हमारे भीतर का आत्मा राम है उसे पाना है जो हमारे भीतर का स्वरूप है उस स्वरूप की दृष्टि से तत्त्वतः हम में और राम में कोई अंतर नहीं है आत्मा की शुद्ध निर्विकार परिणति ही राम भाव है जो राम नहीं हमारा धाम है जिसे केवल अध्यात्म के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जीवन में वो आध्यात्मिकता आए और उसके बल पर हम उस राम भाव को प्रकट कर सके तो मैं समझता हूँ आज की ये रामनवमी सार्थक होगी। आने वाले दिनों में महावीर जयंती है ये चैत का महीना बड़ा पवित्र महीना है। इस माह में ऋषभ देव का जन्म हुआ इस माह में भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ इस माह में रामचंद्र जी का जन्म हुआ इस माह में भगवान महावीर का जन्म हुआ इस माह में हनुमान जी का जन्म हुआ और जैन परंपरा के चौथे तीर्थंकर सुमतिनाथ पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान का भी जन्म इसी माह में हुआ। अनेक अनेक महान पुरुषों का जन्म इस चैत माह में हुआ। ये चैत माह जो हमारे वार्षिक वर्ष प्रतिपदा की शुरुआत इसी माह से होता है तो कहते हैं ये चेताने वाला माह है। कौन सा माह है? आत्मा को जगाने वाला हमारी चेतना को जगाने वाला। काश हम इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को समझकर अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हमारे जीवन में एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम दो पंक्तियां बोल करके विराम लेंगे। आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ और फंदे में फंसना चाहो तो जा दाम की तरफ जा काम की तरफ। तय आपको करना है मंगल भावना मैं चाहूंगा आज महाराज जी के मुख से हो आप सब लोग दोहराएंगे। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो नहीं वेर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो
प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े तले मंगल भाव। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव।